दोस्तों, मंगलवार के दिन जरूर करें ये उपाय। पहला उपाय, मंगलवार को जरूर राम मंदिर में जाकर हनुमान जी के श्री रूप के मस्तक का सिंदूर दाहिने हाथ के अंगूठे से लेकर सीता माता के श्री रूप के श्री चरणों में लगा दें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। दूसरा उपाय, शनिवार या मंगलवार के दिन सुबह धागा में 4 मिर्चे नीचे तथा 3 मिर्चे ऊपर और बीच में नींबू पिरोकर घर और व्यवसाय के दरवाजे पर लटका दें। इसे नकारात्मक समाप्त होते हैं और सकारात्मक संचार होते हैं। तीसरा उपाय, काले तिल और जौ का आटा और तेल मिलाकर आटा गूंथ लें। इससे आटे का एक रोटी बनाकर उस पर तेल और गुड़ चपोत कर जिसको नज़र लगी हो उस पर सात बार उतारा करके भैंस को खिलाएं। शनिवार अथवा मंगलवार को उपाय करें। ऐसे ही चलिए प्यारी बहनों, जानते हैं इसका चौथा उपाय। छोटा बच्चा अधिक रोते होते रविवार तथा मंगलवार के दिन नीलकंठ का पंख लेकर जिस पलंग पर बच्चा सोता है उसमें लगा दें। शीघ्र ही बच्चा रोना समाप्त हो जाएगा। यह चलिए पांचवा उपाय। छोटा बच्चा सोते समय डर जाता है तो मंगलवार तथा रविवार के दिन फिटकरी का एक टुकड़ा बच्चे के सिरहानी में रख दें। ये छठा उपाय, शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाए और उनके सिंह रूप के कंधों पर से सिंदूर लाकर नज़र लगे व्यक्ति भाल प्रदेश पर लगने से नज़र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये सातवां उपाय, जीवन का समस्त समस्या का निवारण हनुमान जी के मंदिर में जाएं और राम रक्षक स्रोत का पाठ करें। सातवां उपाय, मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी को मंदिर के केवड़े का इतर गुलाब का माला चढ़ाएं। हनुमान जी को खुश करने का यह सबसे सरल उपाय। यह है हमारा अंतिम उपाय, मंगलवार के शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाएं और सरसों का तेल का और शुद्ध घी का दीपक जलाएं, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जिस भाई बहनों को हनुमान जी का कृपा चाहिए तो ये उपाय जरूर करिए। ये उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है, कष्टों का निवारण हो सकता है। जिस भाई बहनों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।